मौसम का तापमान तो दिन ब दिन डिगदा जा रहा है, पर पंजाब की सियासत का तापमान हुण दिन ब दिन वधदा जा रहा है। पंजाब की राजनीति ते साडे नाल गलबात करन लई मौजूद ने पंजाब के उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल जी। बादल साहब जगमणी, तुहाडा स्वागत है। मेरा पहला सवाल यही है कि अज अरविंद केजरीवाल ने मजीठा च बयान दिता है, उन्होंने कहा है कि पंजाब के पानी तो सारिया का हक है, दिल्ली वालों का भी हक है। तुसीं उन्हां दे बयान नूं किदां देख रहे हो? मैं तो पहले भी कहा सी आ दोगला बंदा है जी, इहदा कोई पंजाब नाल लगा नहीं जी। दिल्ली का मुख्यमंत्री होके इत्थे आके कुछ कहिंदा सी, उत्थे आके कुछ कहिंदा सी, अज असलियत सामने आ गई है। पंजाब दे पानी की बचाऊगा जे आप ही कहिंदा है कि पंजाब दा पानी बाहर जाना चाहिए है, यह तो माड़ा इंसान की हो सकता है। इस करके असी पहले भी कहते, हुण पंजाब दे लोग भी पछाण गए इहनूं केजरीवाल नूं। आई कारण है कि अज पंजाब केजरीवाल का नाँ नहीं हुण लैणा चाहुंदा कोई। तुहानूं की लगता है कि जिहड़ा इहनां दा बयान आया SFIL ते, पहलां भी काफ़ी मुद्दा है जिहड़ा उहनां ते हावी होया, इंटेंशनली होया होगा या निकल के होएगा? पहली बार जो इतने आया कहता पंजाब का पानी पंजाब च रहेगा जी, जो पंजाब का बॉर्डर टपया उत्थे कहा कि यार पानी सारा दिल्ली चाहिए जी। फिर जो सुप्रीम कोर्ट केस चलिया, सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार ने, यदि सरकार ने एफिडेविट दिता कि पंजाब का पानी सारा सानू चाहिए, हरियाणा चाहिए, असं हरियाणे नाल हैं तो दिल्ली में चाहिए है। तो अज आके फिर तो हूँ तो गल सामने आ गई, इतने बयान ही देता कि पंजाब का जो पानी है वह दिल्ली का है, इस करके दिल्ली जाना चाहिए। अज केजरीवाल वालों अकाली दल की काफ़ी स्ट्रोंोंग सीट मजीठा च रैली की गई, उत्थे उन्होंने एक वड्डा चेहरे का ऐलान किया बिक्रम सिंह मजीठिया के खिलाफ, हिम्मत सिंह शेरगिल का। कि वही चुनौती अकाली दल? हिम्मत सिंह शेरगिल मोहाली तो कैंडिडेट से, हमाली मोहाली चो लोगों ने नकार दिता, वो कोई देखना चाहता नहीं सी। मैं कहना सब तो जो ईजी कैंडिडेट दिता है वह बिक्रम दे हल्के मजीठिया दिता है। जी हिम्मत सिंह शेरगिल की जमानत जब्त हो थे जी। 2017 की गल करिए, डीमोनेटाइजेशन इस वेले आप देख रहे हैं कि कैश की किल्लत करके लोग लाइन खड़े ने, केंद्र च भी तुहाडी गठजोड़ की सरकार है, की लगता तुहानूं कि इस चीज़ का नुकसान हो सकता है, फायदा हो सकता है? दो गल्लां जी, एक जिहड़ा निशाना सी बहुत वधिया है कि काला पानी काला धन खत्म होगा जी, पर क्योंकि कैश की बड़ी किल्लत है, कमी आ गई है, तो मैं बेनती करांगा सेंटर सरकार नूं कि जिहड़ी अवेलेबिलिटी ऑफ कैश वो जरूर बैंकां च पूरी कराउण, क्योंकि हुण लोकां च बहुत तकलीफ सह रहे लोग, लाइना च खड़ना पैंदा है, पैसे आ नहीं रहे। चलो 10-15 दिन तो चलो उन्होंने मुश्किल झेली, पर अगे जो मुश्किल वधूगी तो होर बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। असी जो देख रहे हैं कि जम्मू या हिमाचल वर्गे जो प्रदेश ने उत्थे ATM भरे हुए हैं, पर पंजाब च बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, पिछले एक महीने बाद भी जो लोग ने लाइना च अजे भी खड़े ने, ये क्यों कारण है, की कारण हो सकता है? क्योंकि इत्थे लोग बिजनेसमैन है, खर्चता ज़्यादा है, एक्टिविटी बड़ी ज़्यादा है जी, तो इस कारण इत्थे डिमांड ज़्यादा कैश की है, पैसे की है। हिमाचल तो जम्मू कश्मीर लोग कम घट करते हैं, बिजनेस घट है, इसका रिक्वायरमेंट घट है। पिछले कुछ दिनों तो तुहाडा प्रचार हो रहा है कि जो तुम क्या करके दिखाया, पानी वाली बस की काफ़ी चर्चा हो रही है, जो तुम क्या पहले तुहाडे विरोधी जिहड़े ने वह इस गल का मजाक उड़ाते थे, पर हुण तुम करके भी दिखाया। पर अज तो अज भी आप देख रहे हैं कि कांग्रेस वालों भी बयान आया कि जिहड़ी बस चलाई गई उहदे नाल पानी आ गया, किसानों की फसलां खराब हो गई, अज फिर तुहानूं निशाना लै रहे, हुण तुम किदां अपने विरोधियों नूं जवाब दोगे? घबराए बैठे ना जी, आई गल शो करती है कि वह हार मनी बैठे है जी, उन्होंने आप मान लिया कि हुण सुखबीर जो कहिंदा करदा है, हुण बहाने लभदे फिरदे है जी। अकाली दल की अगली लिस्ट कदों आएगी, और दूसरा वड्डा सवाल यही है कि तुसी अपनी उम्मीदवारी कदों ऐलानोगे? साडा पार्टी का ट्रेडिशन है कि बादल साहब तो मेरा नाम अखीर असीं कढ़दे हुंदे आ जी, तो इस करके सारी लिस्ट जल्दी जल्दी आ जूगी, उहदे बाद अखीर मेरा तो बादल साहब नाम। BJP की जिहड़ी लिस्ट से काफ़ी देरी हो रही है, उहदे नाल अकाली दल की रणनीति कोई फर्क पएगा? कोई फर्क नहीं पैंदा, क्योंकि उन्हां दी अपनी स्ट्रैटजी अपनी रणनीति है जी। मैं तो बेनती करांगा, मैं अज गल भी कीती कि जल्दी जिन्नी जल्दी हो जाए चंगा जी। तुसी पिछली बारी बयान दिता सीगा कि कांग्रेस की B टीम के प्रधान तुसी हो, इस बारी मैदान च कांग्रेस B दिखेगी? मैं लगता B भी दिखेगी, C भी दिखेगी जी। C किदों निशाना करेगी? C सारे गल है कि कांग्रेस की दुश्मन कांग्रेस है जी, सब तो वड्डा कांग्रेस नूं खत्म करने वाला जो कोई इंसान है राहुल गांधी है जी, जिन्नी देर उन्हें रखेंगे उन्नी छेती खत्म होगी पार्टी जी। कैप्टन अमरिंदर सिंह, प्रताप बाजवा, बीबी पठल, लाल सिंह, सारे एक दूजे के दुश्मन है जी, उन्हों का निशाना कांग्रेस नहीं, उन्हों का निशाना है एक दूजे को हराना जी, तो हरा के छड़नगे। मेरा आखिरी सवाल है,
ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ 2017 'ਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਸਾਡਾ ਕਲੀਅਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮੁੱਦਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੈ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੀ। ਕੋਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਇੰਨੀ ਬਿਜਲੀ ਸਰਪਲਸ ਕੀਤੀ, ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਪਾਇਆ, ਬਾਕੀ ਏਅਰਪੋਰਟ ਬਣਾਏ, ਨਹਿਰਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਆਹ ਸਾਡਾ ਮੇਨ ਮੁੱਦਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਾਂਗੇ। ਕੁਛ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਚੱਕੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਮੁੱਦਾ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੈਮ, ਨਾ ਕੋਈ ਸਕੈਂਡਲ 10 ਸਾਲ 'ਚ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਸਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਉਹ 2017 ਦੀ ਲੜਾਈ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਹੀ ਲੜਨਗੇ ਔਰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋਏ